इस वक्त मैं महोडन झील पर मौजूद हूँ। बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर तमाम पहाड़ों ने सफ़ेद चादर उड़ ली है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। बर्फबारी को देखने के लिए यहाँ पर कुछ सयाह आई हुई है, वो तो मुझे कुछ लग रहा है कि कोई दूर से आए हैं। अच्छा, आपका नाम और आप कहाँ से? जी, मेरा नाम गुलजार हुसैन है, मैं स्कर्दू से हूँ। बेसिकली कामसेट का स्टूडेंट हूँ। ये दोस्तों के साथ आए हैं, बस काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, शदीद बर्फबारी इस वक्त जारी है और एक खूबसूरत मंजर है। आप ये दियार के दरख्त है, आप इसको देखें, बर्फ़ का जो ओले पड़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। महोडन लेक आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि आप वो देख लें कितना खूबसूरत मंजर है कि ये पूरा जो है ना वो महोडन लेक ने सफेद चादर उड़ ली है और एक टेंट भी यहाँ पर लगी हुए सयाहों के लिए कि वो जो है ना वो इन टेंटों में आकर रह सकते हैं। रास्ता कच्चा है, ये नहीं है कि रास्ता पक्का है, रास्ता कच्चा है। पोर्ट बाय पोर्ट, जबकि यानी लैंड क्रूजर और डबल डोर गाड़ी में जो है ना वो बंदा आ सकता है। हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि मोटर कार भी आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक मोटर कार जो मुकामी टैक्सी है, कालाम से ये गाड़ियाँ चलती है और ये गाड़ियां भी यहां पर आ सकते हैं आराम से। तो ये सूरत हाल है, मौसम ने मुकम्मल तौर पर करवट बदली और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मुकामी लोग काफ़ी खुश है। यहां पर जो सयाह है उस बर्फबारी को देखने के लिए वो ज़रूर इस वादी का रुख करेंगे।